जी, जो भी सेवादार आसपास से दूर दराज से यहाँ पधारे हैं और बेमिसाल ये सेवा का महायज्ञ है। सेवा अपने आप में बहुत बड़ी बात है और परमार्थ पर हित के लिए करना बेमिसाल है। तो आप जो सेवा करने आते हैं, ये महायज्ञ इसलिए क्योंकि हमारे पवित्र वेद शास्त्रों में, ये हमारे चारों वेदों में लिखा है, पवित्र गीता रामायण महाभारत में लिखा है, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी में लिखा है, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ कुरान मस्जिद में लिखा है और पवित्र बाइबल में लिखा है। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, सभी धर्मों को मानते हैं, तो सभी धर्मों में ये लिखा हुआ है कि अगर वातावरण शुद्ध है तो वहां विकार नहीं होंगे, बुरे विचार नहीं उठेंगे, ईश्वर की तरफ ध्यान जल्दी लगेगा। तो आप इसमें लोगों की मदद करते हैं, सहायता करने आए हैं। धन्य माँ बाप आपके और धन्य आप जो आप परमार्थ के लिए चल निकलते हैं और फिर इतनी सेवा करते हैं कि जो अपने आप में बेमिसाल है। ओ पृथ्वी साफ मिटे रोग विषाद, यहां जहां भी आपने शुरू किया, यहां जहां भी आप लोग पहुंचे हैं, अमित शाप वहां छोड़ी है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, जो लोग भी आप सुन रहे हैं यहां पे या मीडिया के माध्यम से, कि जैसे आप अपनी रसोई अपने घर को साफ रखते हैं, उसी तरह अगर आसपास का थोड़ा एरिया साफ रखें तो ये सफाई के महाभियान की जरूरत ना पड़े और बहुत से बैक्टीरिया वायरस जो इंसान के लिए बड़े घातक हैं, जैसे दिल्ली में सफाई महाभियान हुआ, उससे पहले साल जो डेंगू के मरीज थे वो 8,000-9,000 के बीच थे। जैसे सफाई का ये महाभियान 1.5-2 दिन में पूरी दिल्ली साफ की आप लोगों ने, तो वहां उसके बाद 600 के 700 डेंगू के मरीज अगले साल हुए और अभी तक भी वहां के डॉक्टर कहते हैं गुरुजी वो ग्राफ कभी बढ़ा नहीं है। तो शाबाश, आप लोग ये महान कार्य करने आए हैं, तो आप सभी जगह पे पूरी ख्याल से एक पत्ता भी ना छोड़ा करें, बिल्कुल साफ करना है और ढेर इस तरह से बनाया करें कि वो उड़े ना, इधर उधर जाए ना, बढ़िया तरीके से ढेर को बनाए। तो अभी शुरुआत करेंगे, जी लाइए। जी जी, अभी अभी शुरुआत करेंगे। चले बेटा चले, अपने अपने जगह जहां जहां आपको कहा गया है जोन बनाए गए हैं। हाँ चले बेटा, शाबाश। हाँ जी, जो भी गणमान्य लोग आए हैं और पत्रकार समाज, सबका बहुत स्वागत। आप कोई बात कहना चाहते हैं बोलिए, पूछिए कोई भी सवाल या